हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं और ये कितनी तरह का होता है। डाटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर सिस्टम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसके थ्रू बिग ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिग कंपनी की डाटा को जो है वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है वह है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, यानी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मीन्स आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड कंप्लीटिंग इट, यानी कि आपको कोई टास्क है और टास्क को अच्छी तरह से समझना है, उसके उस प्रॉब्लम का आउटपुट क्या आना चाहिए, मतलब उसके कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया गया है तो उसको सॉल्व करके क्या आउटपुट आना चाहिए, ये आपको समझना है। आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से, उसके हर टर्म को समझना है, तब आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा आप दो नंबर जोड़िए और मुझे एक रिजल्ट दीजिए, तो आप कोई भी दो नंबर जोड़कर मुझे रिजल्ट दे सकते हैं, तो रिजल्ट सेम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और क्लियर करता हूँ, आप 5 और 8 को जोड़िए और मुझे रिजल्ट दीजिए, तो डेफिनेटली आप ये 5 और 8 को जोड़कर मुझे रिजल्ट बता सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम मैं जितने लोगों को दूंगा वो सब एक ही रिजल्ट बताएंगे, अगर उन वो उसे सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो यानी कि प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। अगर प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया तो वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर हम प्रॉब्लम ही नहीं समझें तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कितने तरह का होता है? बेसिकली से हम लोग 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 कंसिडर करेंगे। सबसे जो इसमें पहला है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो है डिवाइड एंड कंक्वर। डिवाइड मीन्स उसे बांट देना, और कंक्वायर का मतलब उस पे जीत हासिल कर लेना, यानी कि उसको सॉल्व कर देना। इन दिस टॉपिक हम लोग उसे कह सकते हैं कि कंक्वायर का मतलब उसे सॉल्व कर देना, यानी कि कोई भी एक बिग प्रॉब्लम है उसे हम बांटेंगे छोटे भाग में, और फिर धीरे 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 करके क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इससे होता यह है कि कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखेंगे उसको सॉल्व करना है तो मे बी वो इतना कॉम्प्लेक्स हो कि एक पर्सन की बस की बात ना हो, तो फिर हम लोग उसको डिवाइड करके 2 लोगों में बांट सकते हैं, 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। वो लोग फिर अगर चाहें तो उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद धीरे 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 उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला जो है डिवाइड एंड कंक्वायर, डिवाइड एंड कंक्वायर, ठीक है, डिवाइड एंड कंक्वायर। तो डिवाइड एंड कंक्वायर टेक्निक को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है, और इसमें क्या क्या इसका आइडिया क्या है, इसको पहले समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 3 नंबर है, 7, 2, 14, 9, सॉरी 4 नंबर है, चार नंबर है, और इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिवाइड एंड कंक्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूं, दो दो भाग में बांट देता हूं, यानी कि इसे और इसे। तो इस प्रॉब्लम को मैं यहां ले आता हूं, यानी कि मेरे पास 2 डाटा हो गया, 7, 2, और एक यहां डिवाइड कर दिया, 14, 9, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। अब इसे फर्दर मैं डिवाइड कर देता हूं, ये हो गया 7, ये हो गया 2, सेपरेट डाटा में कन्वर्ट हो गया, इसे भी मैं सेपरेट डिवाइड कर देता हूं, ये हो गया 14 और ये हो गया 9। अब इसे अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसे हम अरेंज करेंगे अगर असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 7, सॉरी आसानी से पता चल रहा है, 2, 7, और इसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 14, और इन दोनों को फाइनली सॉल्व कर देना है, यानी कि 2, 7, 9, 14।
अब यहां पर देख सकते हैं कि आसानी से क्या हो गया, ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, सबसे पहले इसको डिवाइड किया, दो भाग में डिवाइड कर दिया, अगर और जरूरत पड़ी तो फिर से डिवाइड किया, फिर उसे कंक्वायर किया, दैट इज व्हाट, दैट इज दीज टू आर द कंक्वायर टर्म, कंक्वायर स्टेप्स, यानी कि इसमें कंक्वायरिंग कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उस पर उसको सॉल्व कर रहे हैं, या जीत कह सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद फाइनली मिला दिए, यानी कि ये जो हो गया क्या, ये मतलब हम लोग डिवाइड करते गए, फाइनली कंक्वायर किए और मर्ज कर दिए, मर्ज मींस मिलाना, और हमने मिला दिया, ये फाइनली मेरा डिवाइड एंड कंक्वायर टेक्निक के थ्रू इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है कि डिवाइड एंड कंक्वायर में करते क्या है। अब आते हैं दूसरा मेथड जो है वो है टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा होती है उसको, जो भी डाटा है उसको हम लोग टॉप से सॉल्व करते आते हैं। जैसे आप लोगों ने डेफिनेटली सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब समझिए, जैसे कि हम पहले मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन के बाद फिर हर फंक्शन को, जो उसके मेन फंक्शन के अंदर और भी फंक्शंस को कॉल किया जाएगा, वो सारे फंक्शंस को अलग अलग हम लोग सॉल्व कर देंगे। दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से स्टार्ट करना है और बॉटम तक चले जाना है, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करना है और बॉटम तक, यानी टॉप से बॉटम की तरफ। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैं पहले लिखता हूं मेन फंक्शन, मैं पहले लिख लेता हूं, ये रहा मेरा मेन फंक्शन, इसमें कुछ डाटा है, कुछ भी हो सकता है, लेट से इंट एक्स वाई जेड, तो मैं इसमें दो फंक्शन कॉल कर लेता हूं जेड, एक फंक्शन का नाम है एड एक्स कॉमा वाई, फिर एक फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं जेड इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट एक्स कॉमा वाई, फिर एक फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं लेट से डिवीजन। ये सब क्या है, ये फंक्शंस हैं, ठीक है, ये फंक्शंस है। इस तरह आप आगे और भी बढ़ सकते हैं, ये मैं कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखिए ये मेन प्रोग्राम है, यानी ये टॉप है, अब इसको हम लोग कहीं और डिफाइन करेंगे एड को, लेट से इंट एड एक्स वाई, और ये रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई, इसको सम करके यहां रिटर्न कर देगा। तो देखिए ये क्या है, ये मेन फंक्शन है, यानी टॉप है, फिर बॉटम, हम धीरे धीरे, पहले मैंने मेन फंक्शन बना लिया, टॉप रेडी कर लिया, उसके बाद बॉटम पे मैं जा रहा हूं, यानी कि पहले इंट एड को डिफाइन किया, फिर उसके बाद इसको डिफाइन कर सकता हूं लेट से रिटर्न एक्स माइनस वाई, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसे डिजाइन कर सकता हूं, ये डिजाइनिंग हो रही है, जनरल लैंग्वेज में इसे डिफाइनिंग बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन है और ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यहां पर बेसिकली डाटा टाइप भी लिखा जाता है इस तरह इंट एक्स कॉमा इंट वाई, यहां पर भी डेटा टाइप हो जाएगा इंट एक्स कॉमा इंट वाई, आप लोगों ने सी प्रोग्राम में डेफिनेटली इसे किया होगा, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में है, तो इसलिए सी प्रोग्रामिंग में थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, सी प्रोग्रामिंग को स्ट्रांग करना होगा, और यहां मैं रिटर्न कर रहा हूं रिटर्न डिवीजन, यानी दिस वन क्वेश्चन ये रिटर्न करेगा। अब देखिए ये टॉप हो गया और फिर मैंने बॉटम डिजाइन कर दिया, दैट इज व्हाट टॉप डाउन अप्रोच, यानी पहले मेन फंक्शन उसके बाद, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्ट काफी बिग होती है, तो प्रोजेक्ट बिग होती है तो एक लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट लीडर होता है वो मेन फंक्शन यानी मेन टारगेट रेडी करता है और उस टारगेट पे जितने भी जो सब पार्ट्स हैं उसे अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, सभी ग्रुप लोग इसे अब सॉल्व करेंगे, कोई ग्रुप इसे सॉल्व करेगा और फाइनली लाके उसे यहां पर कॉल कर दिया जाएगा। तो एक बिग प्रोजेक्ट आसानी से एक स्मॉल मतलब एक आसान सा प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसे कंप्लीट करना कम समय में काफी मतलब की आसान हो जाती है, तो इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकता हूं कि यह कैसे काम करता है, तो इसको समझने के लिए मैं एक टॉप डाउन का बता रहा हूं कि कैसे काम कर रहा, लेट से ये मेरा मेन फंक्शन है, इसे मैंने
आगे छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया. लेट से दिस वन इज M1 एंड दिस वन इज M2. फिर इसे आगे जाकर और छोटे छोटे मॉड्यूल में मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं. मॉड्यूल वन का वन एंड द सेकेंड वन इज M12. फिर इसे मैं डिवाइड कर सकता हूं आगे जाके M21, M22. ठीक है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच था. नेक्स्ट वन जो है वो है बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच का मतलब है नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे. तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि पहले हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स को डिफाइन करेंगे, यानी कि कोई भी बिग बिग टास्क को करने के लिए पहले हम लोग छोटा छोटा टास्क बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर टारगेट पे पहुंचेंगे. जैसे एग्जांपल, किसी बिल्डिंग को बनानी है, तो बिल्डिंग को बनानी है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस तैयार करते हैं, फिर एक छोटे छोटे ईट से जो है जोड़ते जाते हैं और बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है. इन द सेम वे अगर इस एरो को मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि इस तरफ, तो इसे कहेंगे हम लोग बॉटम अप अप्रोच. ये बॉटम अप है, बॉटम से स्टार्ट करना, यानी कि सबसे पहले इसे 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 बनाया जाएगा, यानी कि इसको इसको बनाया जाएगा, इन दोनों को मिलाकर फिर एक फंक्शन बनाया गया, फिर इन दोनों को मिलाकर एक फंक्शन या मॉड्यूल बनाया गया और फिर फाइनली मॉड्यूल को बना दिया गया. यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को, कोई बिग प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए उसका जो छोटे छोटे पार्ट हैं उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद उसको मिलाते जाएंगे और फाइनली मेरा जो बिग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉटम अप अप्रोच. बिल्कुल ये टॉप डाउन का उल्टा, यानी टॉप डाउन में हम लोग टारगेट से स्टार्ट करते हैं, यानी मेन फंक्शन से हम लोग कह सकते हैं, और उसको धीरे 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 स्मॉल मॉड्यूल्स में स्प्लिट करते जाते हैं और सारे मॉड्यूल को सॉल्व कर देते हैं. यहां पर क्या करते हैं, हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स को पहले सॉल्व करते जाते हैं, यानी जितने भी फंक्शन है छोटे छोटे सबको बनाते जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे और कॉल करके मर्ज करते जाएंगे मॉड्यूल को. जैसे इसको मर्ज कर दिए, इसको मर्ज कर दिए एंड फाइनली इसको मर्ज कर दिए, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. तो ये तीन मेथड जो है और जनरली इस्तेमाल होता है किसी भी बिग प्रॉब्लम, यानी कि कंप्यूटिंग सिस्टम है या फिर कंप्यूटर साइंस में हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए इन तीन मेथड का इस्तेमाल जनरली करते हैं, डिवाइड एंड कंक्योर, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, तो ये हम लोग आगे इसका इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली, बहुत सारे कोडिंग करने में, बहुत सारे एल्गोरिथम को समझने में.